मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान श्री परशुराम के मंदिर बनाने को लेकर अग्रवाल धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज दिलीप मुदगल, प्रदेश महामंत्री गोविंद अवस्थी, अजय शर्मा, नगर अध्यक्ष ब्राह्मण समाज और कंवर लाल शर्मा बारही सहित कई लोग उपस्थित थे। शिवपुरी से जितेंद्र गोस्वामी की ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में बसा एक ऐसा गांव जो शिक्षा को लेकर बिल्कुल पीछे है। वैसे तो इस गांव को सबसे स्वच्छ घोषित किया है। इस गांव में हर घर में शौचालय बने हुए हैं, कोई भी शौच करने के लिए बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर बात करें शिक्षा की तो इस गांव में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे ही नहीं है, मात्र 6 बच्चों से संचालित होता है यहां का शासकीय स्कूल। हम बात कर रहे हैं हुजूर विधानसभा क्षेत्र के नंदनी गांव स्थित शासकीय स्कूल की। छतरपुर के लवकुश नगर में भोले भाले लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3 क्लिनिक सील किए गए हैं, वहीं 12 क्लिनिक संचालकों को नोटिस चिपका कर 2 दिन में संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करने के लिए कहा गया है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए निवाड़ी क्षेत्र के टहरका रोड पर आदिवासियों के डेरे से लगभग 1160 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 1,74,000 रुपए बताई जा रही है। पुणे के भीमा कोरे गांव में हुई हिंसा से विवादों में फंसे शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के सबाजे भिड़े गुरुजी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप खारिज किए हैं। उन्होंने इस मामले में डिटेल्ड इंक्वायरी की मांग करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को 85 वर्षीय गुरुजी हजारों समर्थकों के साथ सांगली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपने खिलाफ लगे आरोपों को हटाने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट से आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को राहत मिली है। कोर्ट ने सोसाइटी के 3 बैंक अकाउंट को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। सोसाइटी अब 1.68 करोड़ रुपए निकाल सकती है और इसके लिए सोसाइटी को अचल संपत्ति की गारंटी देनी होगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने ये खाते फ्रीज किए थे और सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने इन खातों को फिर से शुरू करने का विरोध किया था। पूर्व भाजपा सांसद नाना पटोले ने कहा कि वो जल्द ही औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या राकापा के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल के भंडारा गोंदिया सीट से उपचुनाव लड़ने का फैसला करने पर ही वो उपचुनाव में खड़े होंगे। पिछले साल दिसंबर में पटोले ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार सिनेमा हॉल में पीने का पानी और खाने का सामान ले जाने की इजाजत देने के बारे में गाइडलाइन जारी करने का विचार करे। सिनेमा घर सेंसिटिव एरिया नहीं है कि वहां जाने वाले हर शख्स की तलाशी ली। अदालत ने कहा कि सिनेमा हॉल में जाने वाले लोग वहां से ही सामान क्यों खरीदे। जस्टिस आर एम बोर्ड और जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने मुंबई के जितेंद्र बख्शी की ओर से दायर PIL पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम की अनुमति से इनकार के बाद जदयू विधायक कपिल पाटिल ने कहा कि वे नागपुर में एक रैली का आयोजन करेंगे। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय है जिस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि दलित नेता जुग्नेश मेवाड़ी और जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद संबोधित करने वाले थे। अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन 2018 के आयोजकों में से शामिल पाटिल ने कहा कि सरकार का रवैया उजागर हो गया है कि वो छात्रों के विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। पुणे के प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की लगभग 30 छात्राओं ने निर्देशक को पत्र लिखकर 9 साल पुरानी यौन शोषण की शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यौन शोषण के मुद्दे पर संस्थान की चरमराती व्यवस्था पर भी सवाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई करना तो दूर, मामले की सुनवाई ही नहीं हुई है। लोकसभा में पास होने के बाद ट्रिपल तलाक पर बिल राज्यसभा में लटक गया। लाख कोशिश के बाद भी सरकार इसे सदन में पास नहीं करवा सकी और शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। सभापति ने शुक्रवार दोपहर को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अब सरकार बजट सत्र में इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विभिन्न थानों में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों को अंततः हर माह अवकाश मिलेगा। सिपाही से लेकर थानेदार तक एक पखवाड़ा में एक और माह में 2 दिन का अवकाश ले सकेंगे। थाना प्रभारियों को भी 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। मुरैना में भी ये व्यवस्था लागू है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने शुक्रवार को 3 तलाक विधेयक का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अतीत से सीख लेना चाहिए और विधेयक को पारित होना देना चाहिए। दलित नेता और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर कई हमले किए। मेवाड़ी ने कहा कि खुद को बाबा साहेब अम्बेडकर का भक्त बताने वाले पीएम मोदी भीमा कोरेगांव हिंसा मामले पर चुप क्यों हैं? मेवाड़ी ने कहा कि मेरे खिलाफ केस दर्ज करना सरकार की बचकाना हरकत है। उन्होंने कहा कि मैं भीमा कोरेगांव गया ही नहीं हूं और न ही मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया है।
गुजरात के राजकोट शहर में एक कलयुगी बेटे का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां बीमार मां की सेवा करने के बजाय उसे चौथी मंजिल से फेंक दिया। ये घटना 3 महीने पहले की है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन थाने में की गई एक गुमनाम अर्जी के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब इस घटना का पर्दाफाश हुआ। सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाने संबंधी बिल को गुरुवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इस बिल के पास होने के बाद जजों के वेतन में 2 गुना से अधिक वृद्धि हो जाएगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास होने और कानून बनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को हर माह 2.80 लाख रुपए का वेतन मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और द्रमुक के नेता ए राजा का बरी होना उनके रुख का सही साबित होना है। 2 जनवरी को राजा को लिखे गए पत्र में मनमोहन ने राजा से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि 2G मामले में आप सही साबित हुए। द्रमुक ने मीडिया में यह पत्र जारी किया। संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावती को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सुझाव को लेकर करणी सेना अभी भी गुस्से में है। करणी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मोदी सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी किसके दबाव में फिल्म को हरी झंडी दे दी गई। करणी सेना फिल्म की शूटिंग की शुरुआत से ही इसके विरोध में अभियान चला रही है। करणी सेना ने कहा कि पूरा देश जलेगा अगर पद्मावती रिलीज हुई। हम हिंसा नहीं चाहते हैं, पर हमें मजबूर न किया जाए। राज्यसभा का टिकट न मिलने से आहत आप नेता कुमार विश्वास पर गोपाल राय ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगाए थे। उनके इन आरोपों का जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए कहा है कि इस महिष्मती की शिवगामी कोई और है। उन्होंने गोपाल राय पर तीखा हमला बोला। उनके इन आरोपों का जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए कहा है कि इस माहिष्मती की शिवगामी कोई और है। उन्होंने गोपाल राय पर तीखा हमला बोला और कहा कि दिल्ली में आप संयोजक, मंत्री, पार्टी प्रवक्ता जैसे 9 पदों पर आसित गोपाल राय जो कार्यकर्ताओं को मिर्जाफर कहते हैं, 7 महीने बाद कुंभकर्णी नींद से जागे हैं। अमेरिका ने एक अहम कदम उठाते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली $1.15 अरब से अधिक की सुरक्षा सहायता राशि पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अमेरिका बीते कई सालों से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के रवैये से असंतुष्टि जाहिर करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये रुख और आक्रामक बना हुआ है। क्या आप ये बात सोच भी सकते हैं कि डिजिटल इंडिया में भी सैकड़ों पुलिस थाने ऐसे हैं जिसमें फोन तक नहीं है? फोन ही क्यों, पुलिस के लिए अति आवश्यक वायरलेस सेट भी नहीं है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है, जिसे सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को 3 लोगों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक मोहम्मद अल गजाली, अबूकर अली अदन और वनास अल फकी पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। विदेश विभाग ने कहा कि वे अल कायदा के सहयोगी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। डेरा प्रमुख गुरमीत की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के चरित्र पर सवाल उठाने वाली अभिनेत्री राखी सावंत को एडवोकेट मोमिन मालिक ने मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में हनीप्रीत के परिवार को 5 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने और बयान पर माफी मांगने को कहा गया है। 2018 की शुरुआत हो चुकी है और 26 जनवरी को पैडमैन और 9 फरवरी को परी रिलीज होना है, लेकिन भंसाली की फिल्म पद्मावती जो कि पद्मावत के नाम से रिलीज होगी वो इन्हीं डेट्स पर रिलीज हो सकती है, जिसके कारण क्लेश होने की संभावना नजर आ रही है।